विशेष बच्चों को स्वावलंबी बनाने व उनमें एक नया हुनर पैदा करने के लिए संस्था इसने विशेष बच्चों से राखियां तैयार करवा रहा है। इसमें खास बात यह है कि बच्चों से तैयार राखियों में लगभग 100 राखियां सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाई जाएगी। गुरुवार को संस्था में विशेष बच्चों द्वारा राखियां बनाने का काम जोरों से चला। संस्था की सेंटर हेड नैना क्रिश्चियन मचार ने बताया कि हर बार राखियों की बिक्री से आने वाली राशि का कुछ हिस्सा बच्चों में बांट दिया जाता है, मगर इस बार संस्था उन पैसों से बच्चों को बैग देगी। उन्होंने बताया, शहर की विभिन्न स्कूलों में सामाजिक संस्थाओं से जुड़े विशेष बच्चों को राखियां खरीद रहे हैं। राखी बिक्री से रॉ मटेरियल का खर्च को निकाला जाएगा। बच्चों के द्वारा राखी बनाई गई है। हमारा मेन उद्देश्य इस कार्य में यह रहता है कि बच्चे स्वावलंबी बने, और सभी बच्चे तो ये काम नहीं कर पाते, लेकिन वोकेशनल के काफ़ी अच्छे बच्चे, ऑलमोस्ट 17 से 18 बच्चे अब ऐसे तैयार हैं जो अपना काम खुद से आत्मनिर्भर होकर कर पा रहे हैं। इससे जो भी टोकन अमाउंट हम लोग उनको दे पाते हैं वो उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि के रूप में काम करती है। आप सभी लोगों से हम लोगों का निवेदन है, जैसे हमेशा से आप लोग स्नेह को सपोर्ट करते रहे हैं। दिए का स्टॉक काफ़ी अच्छा है यहाँ पे नागदा में, हम लोगों को व्यापारी संघ वाले भी सपोर्ट करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे ही राखी के भी जो चीज़ें हैं उसको आप लोग खरीदिए, ताकि इन बच्चों को हम लोग और अच्छी तरीके से प्रोत्साहित कर सकें और ये लोग आत्मनिर्भर बन सकें। यही स्नेह के द्वारा जो बनाई गई राखियाँ हैं वो हमारे सैनिकों के पास भी गई हैं। ऑलमोस्ट 100 राखियाँ हमारे सैनिकों की कलाइयों को भी इस बार सजाएंगी जो बच्चों के द्वारा बनाई गई। किस माध्यम से ये राखियाँ वहाँ तक पहुँची है, कैसे गई, आपने सीधे भेजा? पंकज सर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं जो खुद भी एनजीओ से जुड़े हुए, जिग्नेश जैन जी, जिन्होंने 100 सोल्जर्स को गोद ले रखा है। वो उनके लिए जिस भी तरीके से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये रखा कि इन बच्चों की राखियाँ उनकी कलाइयों पर बनी।